अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है 141A अम्यूजिंग जोक, ठीक है। आज ये अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें करना ये है कि हम लोग को तीन इनपुट लेना है, ठीक है। तीन इनपुट लेंगे, एज अ स्ट्रिंग लेंगे सबको, ठीक है। और क्वेश्चन ये कहता है कि जैसे पहला इनपुट देखते हैं, सेंटा क्लॉस, ठीक है। पहला क्वेश्चन सेंटा, पहला जो हम लोग इनपुट ले रहे हैं एज अ स्ट्रिंग, तो लिए हैं सेंटा क्लॉस, ठीक है। सेकेंड जो इनपुट लिए हैं, ये भी एज अ स्ट्रिंग लिए हैं, डेड मोरोस जैसे, ठीक है। ये सेकेंड इनपुट हुआ। थर्ड इनपुट है, ये दोनों का मिला जुला है थोड़ा, ठीक है। तो जैसे इसका है सेंटा मोरोस डेड क्लॉस, ठीक है, कुछ इस तरह है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन ये कहता है कि अगर ये दोनों स्ट्रिंग का जितना भी कैरेक्टर सब है, अगर ये थर्ड वाले स्ट्रिंग में अगर सारा इंक्लूडेड है, तभी हम लोग यस देंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे ये है कि जो पहला इनपुट है सेंटा क्लॉस, ठीक है। तो पहला जैसे ये एस वन है, एस वन मानते हैं, एस टू मानते हैं, एस तीसरा स्ट्रिंग मानते हैं, ठीक है। पहला स्ट्रिंग में जैसे देखते हैं कि इसमें लिखा सेंटा, ठीक है। ये जो पहला सेंटा लिखा हुआ है, देखते हैं कि थर्ड वाला जो स्ट्रिंग है उसमें भी सेंटा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्लॉस, ये जो क्लॉस है यहाँ देखते हैं क्लॉस लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला जब स्ट्रिंग देखते हैं, सेकंड वाला जैसे डेड मोरोस, ठीक है। तो इसमें है जैसे डेड वाला यहाँ पे रखा हुआ है और मोरोस यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए देखते हैं कि एस वन और एस टू को अगर कंबाइन करने, तो कंबाइन करने से ये एस थ्री का जितना भी मतलब कैरेक्टर्स है सेम टू सेम आना चाहिए, ठीक है। यही हम लोग को देखना है। तो थोड़ा टेबल में देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इसको करना ये है कि सबसे पहले हम लोग तीन इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, ठीक। तीनों इनपुट का अलग अलग नाम दिए हैं, स्ट्रिंग एस वन, स्ट्रिंग एस टू, स्ट्रिंग एस थ्री, ठीक है। पहला इनपुट में जैसे हम लोग लिए सेंटा क्लॉस, ठीक। दूसरा में जो डेड मोरोस जैसे लिखा हुआ था, तीसरा में, तीसरा जब देखते हैं ये तीसरा वाला इनपुट है, ठीक है, जो हम लोग ये भी लेंगे। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या कि हम लोग को तो कंसेप्ट यही है कि जब बस इतना देखना है कि अगर स्ट्रिंग एस वन जो है और एस टू है, दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या वो एस थ्री के साथ मैच कर रहा है, इतना ही देखना है, ठीक है। हम लोग को इतना ही चेक करना है कि एस वन का जितना भी मतलब एलिमेंट सब दिया हुआ सेम टू सेम जैसा दिया हुआ है, क्या उसमें भी उतना ही एलिमेंट्स है एस वन और एस टू अगर दोनों मिलाने से, ठीक है। हम लोग को यही चेक करना है। तो इसको कुछ इस तरह करेंगे कि मान लेते हैं कि हम लोग ये जो एस वन हम लोग स्ट्रिंग लिए हैं, ठीक है, ये जो सेंटा क्लॉस है, इसको अगर हम लोग इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। सॉर्ट यानी इसका जितना भी कैरेक्टर्स है ना सेंटा क्लॉस में, सबको अगर असेंडिंग वाइज अगर रखेंगे, ठीक है, एज अ सॉर्टेड वे में रखेंगे, तो ये कुछ इस तरह हो गया। सेंटा का 3A है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखते हैं सेंटा का 3A, 1 2 3, ये 3A हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सी, यहाँ क्लॉस लिखा है, ये है सी, ठीक है। उसके बाद एल, ये एल है, ठीक है। उसके बाद एन, एन यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है डबल एस, ये एक एस, ये एक एस, ठीक है। उसके बाद टी, ये वाला टी, उसके बाद है यू, जो कि है यू, ठीक है। इसी तरह हम लोग एक काम करेंगे कि सबसे पहले एस वन को सॉर्ट कर दिए, ठीक है। एस वन को सॉर्ट करने से कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग एस टू को सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो एस टू को सॉर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो एस थ्री है इसको भी सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। एस थ्री को भी सॉर्ट करके, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना था, एस वन प्लस एस टू का जितना एलिमेंट्स एस थ्री में होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो सॉर्टेड है ना, ये दोनों को हम लोग एड मतलब कंबाइन कर देंगे, ठीक है। कंबाइन कर दिए, कंबाइन करने से कुछ इस तरह दिख रहा है, ये जो ए डबल ए सी एल एन एस एस टी, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है।
उसके बाद है डी डी ई एम ओ ओ आर जेड, ठीक है, डी डी ई एम डबल ओ आर जेड, ठीक है, ये दोनों को हम लोग कंबाइन कर दिए, क्या कंबाइन कर दिए। कंबाइन करने के बाद इसको क्या किए, कंबाइन करने के बाद इसको एक और एक स्ट्रिंग में रख दिए जिसका नाम दिए हैं S4, ठीक है, S4 में आ गया। तो S4 में जैसे आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉर्ट कर दिए, इसको सॉर्ट कर दिए, और सॉर्ट करके कुछ इस तरह आया, ठीक है, दोनों S1 S2 का जो कंबाइन करके जो किए थे स्ट्रिंग को, उसको भी फिर सॉर्ट कर दिए, ठीक है। तो ये तो आ गया हम लोग का सॉर्टेड वे में, S1 और S2 का पूरा मिला के सॉर्टेड वाला, ठीक है। तो हम लोग को तो S1 प्लस S2 का जो टर्म्स S3 में आना चाहिए। हम लोग तो देखें कि S3 को तो हम ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हैं, तो हम लोग बस अब देखेंगे क्या S3 का जैसा जैसा सॉर्टेड है, क्या S4 का सॉर्टेड से मैच कर रहा है। तो देखते हैं, यहाँ ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए है, सी है, सी डबल डी ई एल, सी डबल डी ई एल, ठीक है, एम एन डबल ओ आर एस, एम एन डबल ओ आर डबल एस टी यू, आर डबल एस टी यू जेड, ठीक है, वो पूरा मैच हो रहा है, इसीलिए हम लोग आउटपुट यस दिए हैं, ठीक है। अब ये सब हम लोग निकालेंगे, निकाल के एक्चुअली आउटपुट दोनों का नो आने वाला है, ठीक है, तो हम लोग यही निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीन स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, तीन स्ट्रिंग लेंगे, तीन स्ट्रिंग, S1 S2 और S3, तीन स्ट्रिंग लिए हैं, ठीक है, तीन स्ट्रिंग लिए, इसको सी इन करते हैं, S1 S2 और S3, तीनों को हम लोग तीनों का इनपुट ले लेंगे, ठीक है। लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो हम लोग तीनों इनपुट ले लिए, S1 S2 और S3, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये तीनों को सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे, सॉर्ट SORT सॉर्ट फंक्शन, S1.begin से लिख के S begin से लिख के एंड S1.end तक चलाएंगे, ठीक है, ये हो गया S1 के लिए। अब S2 को भी सॉर्ट कर देते हैं, S2 का बिगिन से लेके, स्टार्टिंग से लेके S2 का एंड तक चलाएंगे, ठीक है, एंड तक चलाएंगे। इसके बाद हम लोग S3 को भी शॉर्ट कर दे देंगे, शॉर्ट कर देंगे इसका, ठीक है, S3.begin या फिर बिगिन बिगिन फंक्शन से S3 का एंड तक किए, ठीक है, ये तो हम लोग एंड तक कर लिए, तो हम तीनों को शॉर्ट कर दिए। अब लोग क्या करेंगे, एक और स्ट्रिंग लिए, ठीक है, स्ट्रिंग S4, S4 लिए, अब इसमें क्या करेंगे, S4 इज इक्वल टू S1 प्लस S2, ठीक है, हम लोग तो S1 और S2 को तो शॉर्ट कर दिए हैं, तो उसको क्या है, S4 में हम लोग अभी स्टोर कर लिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे S1 को शॉर्ट किए, S2 को शॉर्ट किए, S3 को भी शॉर्ट कर दिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले S1 इनपुट किए, S2 इनपुट किए, S3 भी इनपुट किए, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले S1 को शॉर्ट करके ऐसा हुआ, S2 को शॉर्ट किए, फिर S3 को भी शॉर्ट कर दिए, ठीक है, ये जो S1 और S2 को जब हम लोग कंबाइन कर दिए और इसको S4 में जब हम लोग स्टोर कर रहे थे, तो स्टोर कुछ इस तरह हुआ कि ये हुआ S1 का सॉर्टेड वाला, ये हुआ S2 का सॉर्टेड वाला, ठीक है, इसको एज अ स्ट्रिंग इसको S4 में रख दिए हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग ये जो आया एलिमेंट, ठीक है, ये इसको फिर हम लोग सॉर्ट कर दिए, सॉर्ट करने से ये फिर एक सॉर्टेड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये S4 को और ये S3 का कंपेयर करेंगे, ये जो इसका जितना भी मतलब क्या ये दोनों इक्वल है, हम लोग बस इतना ही चेक करेंगे, अगर इक्वल है तो इसको यस होगा, नहीं तो नो रहेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसको भी करेंगे शॉर्ट करेंगे इसको, ठीक है, S4 को भी शॉर्ट करेंगे, डॉट S4 डॉट बिगिन कॉमा
एक्सपोर्ट डॉट इन फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। इनके अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया। अब सी आउट करेंगे, सी आउट में चेक करेंगे इफ एस फोर इज इक्वल टू एस थ्री, ठीक है। अगर इक्वल हुआ तो सी आउट यस, नहीं तो एल्स में सी आउट नो कर देंगे, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तीनों इनपुट लिए, ठीक है। यस है, ठीक है, लोग आउटपुट यस। अब ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बीच में तो सी आउट लगाते हैं ताकि देखने के लिए कि सी आउट एस वन इस सॉर्टेड के बाद कैसा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद सी आउट एस टू, एस टू सॉर्टेड के बाद कैसा दिख रहा है, उसके बाद सी आउट एस थ्री, ठीक है। अच्छा, इसका पहले एक तो न्यू लाइन लगा देते हैं ताकि क्लियर हो, तो देखने में अच्छा लगे, ठीक है। इसका पहले भी तो न्यू लाइन लगा देंगे, ठीक है। और एस फोर जब होगा यहाँ भी एक सी आउट करके हम लोग एस फोर एक बार देख लेंगे कि एस फोर कैसा दिख रहा है, ठीक है। और इसको न्यू लाइन में रखते हैं इसको भी, अब इसको रन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इनपुट किए हैं पहला इनपुट, इसको वहाँ रखें, ठीक है। फिर दूसरा इनपुट लिए, इसको भी यहाँ रखें, तीसरा इनपुट लिए, ठीक है, कॉपी किए तो यहाँ, ठीक है। अब हम लोग का क्या आया, सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग वन एस वन एस टू एस थ्री ये तीनों स्ट्रिंग ले लिए, ठीक है। तीनों स्ट्रिंग लेने के बाद देखते हैं कि सबसे पहले एस वन शॉर्ट हुआ, ठीक है। एस वन शॉर्ट किए, एस वन बिगेन से लेकर एंड तक हुआ, ये सेंटा क्लॉज को हम लोग शॉर्ट किए और शॉर्ट करके एस वन को हम लोग आउटपुट देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ आउटपुट, ठीक है, एस वन का शॉर्टेड वाला ये पोर्शन, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये है एस वन का शॉर्टेड, ठीक है, एस वन का शॉर्टेड आया। उसके बाद हम लोग एस टू का शॉर्ट किए, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद उसको ये आउट करके एस टू का भी निकाल लें, ये न्यू लाइन में सीट एस टू का भी देख लें, ये जो डेड मोरस था इसको भी शॉर्टेड में ये दिखाएं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एस थ्री को भी शॉर्ट किए, ठीक है, एस थ्री जो कि हम लोग ये टोटल हम लोग का पूरा कंबाइंड वाला जो लिए हैं इसको भी हम लोग शॉर्ट किए, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद इसको भी सी आउट करके एक बार देख लिए हैं, ठीक है, ये शॉर्टेड वाला है, इसको सी आउट करके देख। उसके बाद हम लोग एज अ स्ट्रिंग फोर लिए तो, और उसमें ये जो हम लोग एस वन और एस टू का जो शॉर्टेड वैल्यू था उसको एज अ स्ट्रिंग एस फोर में स्टोर किया, ठीक है। इसके बाद एस फोर को फिर हम लोग स्टोर कर ये शॉर्ट कर दिए, ठीक है। शॉर्ट करने से एस फोर को हम लोग जो देख रहे हैं कि क्या एस फोर और एस थ्री सेम आ रहा है, तो हाँ देखते हैं कि ये तो एस थ्री था और ये एस फोर है, ये दोनों सेम है, ठीक है। सेम होने के चलते ये हम लोग देखते हैं क्या एस फोर इज इक्वल टू एस थ्री है, कंडीशन सही हो रहा है, इसके लिए आउटपुट यस आया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा वाला सैंपल तो देखते हैं, ठीक है, क्या है ये वाला, ओके पहला लिए, पहला स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा स्ट्रिंग, ठीक है। आउटपुट देखते हैं क्या आया, नो आया, क्योंकि क्यों नो आया, क्योंकि यहाँ देखते हैं कि यहाँ कुछ मिसिंग है, ठीक है, एल के जगह एक्स्ट्रा कुछ डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एक एल कम है
और एक एक्स्ट्रा पी दिया उसके जगह, ठीक है, बस यही था, इसीलिए हम लोग आउटपुट इसमें नो आया है। ठीक, तो यही है। इसके बाद इसको आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इसको एक काम करते हैं, पहले ये सब हटा देते हैं, नहीं तो एरर देगा। ये आउट नहीं रखेंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये लाइन नहीं, ठीक है, इसको आप सबमिट करके देखते हैं। ठीक है,